काम जितना मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। शेली की लंका गिराने के लिए मुझे अपना विभीषण चाहिए। ऐसे कौन मारता है? ये बारा नहीं हलाल किया, पूरा खून निचोड़ दिया। मुझे छू भी पा रहे हैं उसके बस की बात नहीं। रणबीर कपूर बॉलीवुड का उभरता हुआ एक सितारा है और ये बात इन्होंने अपनी पिछली फिल्मों से बिल्कुल साबित भी कर दी है कि वो किसी से कम नहीं। रणबीर कपूर की पिछली कई फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई है और इनकी आने वाली ऐसी कई फिल्में हैं जिनसे रणबीर कपूर बॉलीवुड की कई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। अभी हाल ही में रिलीज हुई रणबीर कपूर की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी और अब कुछ ही दिनों में रणबीर कपूर की हमें एक और पैन इंडिया मूवी देखने को मिलने वाली है जिसमें वो हमको जबरदस्त रोल में देखने को मिलने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं रणबीर कपूर की एनिमल मूवी की। एनिमल मूवी के लिए लोगों में काफी ज्यादा हाइप बनी हुई है। फिल्म के जिस तरह के क्लिप्स लीक हो चुके हैं और रणबीर कपूर जिस लुक में लोगों के सामने आ रहे हैं उसकी वजह से लोगों में एनिमल फिल्म के लिए काफी ज्यादा हाइप बनी हुई है। अब बहुत ही जल्द हमें फिल्म का टीजर भी देखने को मिलने वाला है। कुछ ही दिनों पहले फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया था जिसमें रणबीर कपूर हमें काफी खतरनाक लुक में देखने को मिले थे और अब कुछ ही दिनों में हमें फिल्म का टीजर भी देखने को मिलने वाला है जिसके बाद रणबीर कपूर को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट का लेवल काफी बढ़ जाएगा। फिल्म की कास्टिंग भी काफी बड़ी है क्योंकि इस फिल्म में हमें बॉलीवुड के साथ साथ साउथ के भी कई कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। फिल्म में हमें लीड रोल में रणबीर कपूर और बॉबी देओल देखने को मिलेंगे और उनके साथ अनिल कपूर और साउथ की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना देखने को मिलेंगी, साथ ही परिणीति चोपड़ा भी। फिल्म की कास्टिंग तो काफी अच्छी और बड़ी है। अब देखना तो ये होगा कि फिल्म की स्टोरी कितनी अच्छी है। वहीं बात करें फिल्म के डायरेक्टर की तो इस फिल्म को जाने माने डायरेक्टरों में से एक मनदीप रेड्डी वंगा के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है। फिल्म के लिए लोगों में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बनी हुई है। मेकर्स की तरफ से फिल्म के रिलीज डेट की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। एनिमल फिल्म को 11 अगस्त 2023 में रिलीज किया जाएगा यानी कि अब फिल्म को रिलीज होने में बस कुछ ही महीनों का समय बचा हुआ है। और एनिमल फिल्म का क्रैश सनी देओल की फिल्म गदर 2 से होगा क्योंकि इसी दिन सनी देओल की मोस्ट अवेटेड मूवी गदर 2 भी रिलीज होगी, इसलिए हमें दोनों फिल्मों के बीच में काफी जबरदस्त टक्कर देखने को मिलने वाली है। हम तो यही कहेंगे कि दोनों फिल्मों को अपने रिलीज डेट चेंज करनी चाहिए और थोड़ी आगे पीछे करनी चाहिए क्योंकि दोनों ही फिल्में काफी बड़े बजट की फिल्में हैं और सभी लोग दोनों की फिल्मों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब देखना तो ये होगा कि मेकर्स ने इसके बारे में क्या सोचा है। फिल्म के टीजर के रिलीज होने के बाद हमें इस बारे में सारी कंफर्मेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए हमें थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। फिल्म की स्टोरी को लेकर भी लोगों में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बनी हुई है क्योंकि इस फिल्म में बॉबी देओल एक विलन का रोल निभाने वाले हैं और जिस तरह से उन्होंने अपनी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन किया है उसको देखकर तो लग रहा है कि बॉबी देओल और रणबीर कपूर के बीच जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है। रणबीर कपूर की जबरदस्त एक्शन मूवी को देखने के लिए अभी हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।